हेलमेट ना पहनने वालों से ट्रैफिक पुलिस जुर्माना वसूल करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस एक अलग अंदाज में जुर्माना वसूल कर रही है। सड़क से जो भी दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के गुजर रहे थे, उनकी धरपकड़ की गई। इसके बाद जिन्होंने जुर्माना दिया उन्हें तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो लोग जुर्माना नहीं दे पा रहे थे उनके लिए एक नई तरकीब दुर्ग पुलिस के द्वारा आजमाई गई। ऐसे लोगों से पुलिस ने जुर्माना के बजाय श्रमदान करवाया। चौक के करीब आसपास में जो पॉलिथीन या कचरा था उसे उठवाकर एक जगह एकत्रित करवाया गया और फिर बकायदा पुलिस कप्तान ने सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाए। इसके बाद उन्हें हेलमेट की अनिवार्यता और उसकी उपयोगिता बताकर छोड़ दिया गया। करीब डेढ़ घंटे तक चली इस कार्यवाही के दौरान करीब 700 से ज्यादा ऐसे लोग थे। या तो वो 500 रुपए का फाइन देगा या वो श्रमदान करके जो प्लास्टिक और कूड़ा है उसको बॉक्स में डालेगा। इससे लोगों के अंदर अवेयरनेस भी आएगा और भिलाई जो है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा, लोगों की जानें भी बचेंगी और जो गरीब लोग हैं जो 500 रुपए फाइन नहीं दे पाते थे वो थोड़ी मेहनत करके अपना पश्चाताप भी कर सकते हैं और वो जाके दूसरे लोगों को बता भी सकते हैं। और इससे हमें उम्मीद है कि अगले 1 से 2 महीने में भिलाई में सभी लोग ट्रैफिक नियम को फॉलो करने लगेंगे। दुर्ग भिलाई को हेलमेट युक्त और पॉलिथीन मुक्त करने का कैंपेन दुर्ग पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लोग जो है किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, पैसे वाले हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग श्रमदान में कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए सफाई करते हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सफाई करना चाहिए, स्वच्छ भारत जो है, तो पूरे भिलाई के लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। सर, जो हेलमेट अगर जो धारण नहीं करता है खाली श्रमदान कर देता है, उसके बाद दोबारा अगर वो पकड़ाता है बिना हेलमेट के, दोबारा श्रमदान कराएंगे हम। अभी ये ऑप्शन देंगे क्योंकि धीरे धीरे करके ही आदत बनेगी। फाइन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लोगों को दिन भर की कमाई जो है वो फाइन में निकल जाता है, तो लोगों के अंदर थोड़ा सा अब गुस्सा भी आ रहा था। और क्योंकि धीरे धीरे करके जब अवेयर हो जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद केवल चालान की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, कार्रवाई लगातार 2023 पूरे साल भर की। पुलिस के अनुसार दुर्ग भिलाई इससे स्वच्छ हो जाएगी। खैर, लोग यहां खुशी से श्रमदान कर रहे हैं।